जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और गुरु पूर्णिमा पर दान की है बहुत महत्ता। आइए जानते हैं राशि अनुसार मनोकामना पूर्ति हेतु कौन से उपाय हम सभी को करने चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें यदि आपने नहीं किया है, और कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हिंदुओं में तीर्थ स्थान, दान और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष माना जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णिमा होती है। आषाढ़ माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत खास मानी गई है क्योंकि इस दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन गुरुओं को समर्पित है। सनातन धर्म में गुरु का स्थान ईश्वर के समान माना गया है। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई सोमवार को है। इस बार यह मूल नक्षत्र और ब्रह्म योग में मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु की पूजा और उनके प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। कहते हैं गुरु बिन घोर अंधेरा, अर्थात गुरु ही है हमें जो सही दिशा दिखाते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा के महत्व के बारे में बातें करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही शैक्षिक ज्ञान, अध्यात्म एवं साधना का विस्तार करने और हर मनुष्य तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन और दान करने से जातक की कुंडली में गुरु दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। नौकरी, करियर और व्यापार में अत्यधिक लाभ मिलता है। इस दिन लोग वेदव्यास जी की पूजा के अलावा अपने गुरुओं को सम्मान के रूप में उपहार भेंट करते हैं। इस दिन गुरु वंदन से जीवन में उन्नति और समृद्धि पाई जा सकती है। विद्या अर्जन करने वाले जातक गुरु पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती और अपने गुरु की पूजा अवश्य करते हैं। ये करियर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। गुरु पूर्णिमा पर किस मंत्र का जाप करना चाहिए? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही भगवान शंकर, गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु का आशीर्वाद प्रसन्नता और समृद्धि प्रदान करता है। पूर्णिमा पर दान का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं राशि के अनुसार आप गुरु पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय और दान कर कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं। मेष राशि। आषाढ़ पूर्णिमा पर मेष राशि के जातक गुड़, लाल रंग के कपड़े, जरूरतमंदों को दान करने से आर्थिक संकट दूर होता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले मिश्री का दान कर सकते हैं, साथ ही पूरे दिन पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। तीसरी है मिथुन राशि। गाय को हरा चारा खिलाना शुभ होगा। हरे मूंग का दान भी कर सकते हैं, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। कर्क राशि। गरीब या जरूरतमंदों को चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाएगा। तनाव से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय आपके लिए शुभ हैं, अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले गुरु पूर्णिमा पर गेहूं का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातक। कन्या राशि के जातक इस दिन ब्राह्मण को भोजन या श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। गाय को चारा भी खिलाएं। तुला राशि। आषाढ़ की पूर्णिमा पर तुला राशि के लोग छोटी छोटी कन्याओं को खीर का दान करें। मान्यता है कि इससे उनका यश और ऐश्वर्य बढ़ेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग बंदरों को चने और गुड़ गुरु पूर्णिमा वाले दिन खिलाएं। साथ ही पढ़ाई से संबंधित सामग्री भी गरीब छात्रों को दान करें। धनु राशि। गुरु पूर्णिमा के दिन धनु राशि वाले मंदिर में चने का दान करें, इससे घर की सुख शांति बनी रहेगी। मकर राशि। पूर्णिमा पर गरीबों को कंबल बांटना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुंभ राशि। किसी वृद्धाश्रम में श्रद्धानुसार कपड़े, अन्न, धन दान दें।
साथ ही मंदिर में काली उड़द की दाल का भी दान करना चाहिए। मीन राशि के जातक पूर्णिमा पर हल्दी और बेसन से बनी मिठाइयाँ गरीबों में दान कर सकते हैं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इसके साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन इसी तरह से और वीडियोज़ को बनाने और अपलोड करने का।